शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। भला कौन सी पागल लड़की 90 दिन की शादी के लिए तैयार होगी? हाँ हम तैयार हैं। उसे बलि का बकरा क्यों बनाया जा रहा है? चाहे कुछ भी हो जाए, जब तक यश की शादी किसी और से नहीं हो जाती, तब तक मैं तेरी शादी यश से कभी नहीं होने दूंगी। नहीं, तुझे डर तो नहीं लग रहा है कि हम तेरे यश जी को तुझसे छीन लेंगे? तेरी जगह कोई और होता ना तो जरूर डर लगता। आंख बंद करके भरोसा कर सकती हूँ तुझ पे। तो मोहतरमा, क्या अब हम ऐसा समझ सकते हैं कि आपने इस 90 दिन वाली शादी के लिए खुशी खुशी आपकी अनुमति दे दी है? क्या अंजलि सबके बीच में कैसे आ गई? मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है कि आप लोग इस शादी के लिए हाँ कैसे कर सकते हैं। मैं ये शादी नहीं कर सकता। यश, मुझे समझाने की कोशिश भी मत कीजिए। मेरी बात सुन। अरे बेटा, ये असली की शादी थोड़ी है ना, और अंजलि ने खुद हाँ कही है, किसी ने उसके साथ जबरदस्ती नहीं की। मैंने सुबोध से वादा किया है कि 90 दिन बाद मैं खुद अच्छे से अच्छा लड़का ढूंढ के अंजलि की शादी उससे करवाऊंगा। और दूसरा कोई रास्ता भी तो नहीं है हमारे पास यश। अंजलि, अच्छा हुआ तू आ गई, अब तू ही समझाना इसे। क्या हम यश जी से अकेले में बात कर सकते हैं? हाँ, ठीक है। तुम सीरियसली अंजलि, 90 दिन के लिए तुम मुझसे शादी करने के लिए तैयार कैसे हो गई? क्या है ये अंजलि? अंजलि तुम भी ना। हम अंजलि अग्रवाल अपने पूरे होशो आवाज में इस 90 दिन की शादी के लिए हम वादा करते हैं कि यश गर्ग को तन मन और धन से कभी भी अपना पति नहीं मानेंगे। उनसे कभी भी कपड़े, गहने और किसी प्रकार के तोहफे नहीं मांगेंगे और न ही कभी जिद करेंगे। हम रूठेंगे तो मनाने की और रोएंगे तो चुप कराने की जिम्मेदारी उनकी नहीं होगी। हमारे जन्मदिन पर वो ऑफिस से घर जल्दी आए ये उम्मीद हम बिल्कुल नहीं करेंगे। वो हमारी बहन ऋचा की अमानत बनकर हमारे पास सुरक्षित रहेंगे। हम ये भी वादा करते हैं कि गलती से भी कभी हम यश कर यानी अपने होने वाले जीजू को अपनी अदाओं से रिझाने की कोशिश नहीं करेंगे। क्या ये हमारी 90 दिन की शादी का अग्रीमेंट? यहाँ देखिए, हमने इस पे साइन कर दिया है, इसलिए आपके पास भी इनकार करने का कोई कारण नहीं है। यश जी, जल्दी से मान जाइए ना, क्योंकि जितनी जल्दी ये 90 दिन वाली शादी होगी उतनी ही जल्दी आप और ऋचा भी मिल पाएंगे, और फिर हमें आपकी और ऋचा की शादी की तैयारियां भी तो करनी है। तो बता अंजलि, तुम एकदम पागल हो। हाँ, वो तो हम हैं। जीजू, आप मुस्कुरा रहे, इसका मतलब आप इस 90 दिन की शादी के लिए तैयार है ना? जय गोपाल, इसलिए तो हम कहते हैं जब लड्डू गोपाल साथ है तो फिक्र की क्या बात है, हम अभी सबको बताते हैं। अंजलि, मुकेश चाचा, उमा काकी। हाँ बेटा, क्या हुआ? वो यश जी मान गए। तो फिर अभी के अभी शादी की तारीख तय कर लेते हैं। क्यों? नहीं, तारीख वारीख तय करने की क्या जरूरत है, अरे कल ही कर देते हैं शादी। अरे कम से कम इनकी शादी के बाद यश और ऋचा मिल तो सकेंगे। बेटे, तू सच में राजी है ना इस शादी के लिए?
अंजलि बेटा तू घर जा, मैं अलका भाभी को फोन करके सारी तैयारियां करवाती हूँ। जी जय गोपाल। जय गोपाल। चली अंजलि, अंजलि हाथ दो। अंजलि अंजलि हाथ छोड़ो। अंजलि मैं तुम्हें कैच कर लूंगा, मैं कह रहा हूं हाथ छोड़ो, मैं पकड़ लूंगा। अंजलि अंजलि मेरा भरोसा करो, प्लीज हाथ छोड़ दो। पापा पकड़ने की कोशिश कीजिए, ऊपर खींचिए। अंजलि अंजलि मेरा भरोसा करो, प्लीज हाथ छोड़ दो। अंजलि अंजलि प्लीज घबराओ मत, ट्रस्ट मी, हाथ छोड़ो जल्दी। अंजलि मैं पकड़ लूंगा तुम्हें। अंजलि हाथ छोड़ो ना जल्दी। अंजलि तुम ठीक तो हो ना? आओ उठो। बैठो। बेटा ठीक है ना तू? मैं पानी लेकर आऊंगा। अंजलि तुम ठीक हो? जी। जो भी लड़की यश से शादी करेगी 90 दिन में उसकी मृत्यु निश्चित है। अंजलि बेटा हम ठीक है। थैंक यू यश जी, आपने हमें बचा लिया। अब हम चलते हैं, ऋचा हमारा इंतजार कर रही होगी। मैं ड्राइवर को बोल देती हूँ, वो तुम्हें गाड़ी में छोड़ देगा। नहीं नहीं काकी, हमारी साइकिल है ना हमारे पास। नहीं नहीं कोई बात नहीं, ड्राइवर साइकिल को गाड़ी में रख लेगा। अरे हम चले जाएंगे, अब ठीक है हम। नहीं नहीं गाड़ी में ही जाते। हाँ ताई जी बिल्कुल ठीक कह रही है, मैं ड्राइवर को बोलती हूँ तू उसी में जा। ओहो क्या बात है, आज तो बड़ी खातिरदारी हो रही है हमारी। अंजलि तुम पक्का ठीक हो ना? तुम चाहो तो मैं तुम्हें ड्रॉप करके वापस आ जाता हूँ। नहीं नहीं अशी, अब तो वैसे भी हम कार से जा रहे हैं। चलिए जय गोपाल। जय गोपाल। जय।
ध्यान रखना बेटा है। अंजलि बेटा जी, अभी अभी जो कुछ भी हुआ यहाँ पे उसके बारे में घर पे किसी को कुछ मत बताना, वो लोग बिना मुझे ही परेशान हो जाएंगे। संभल के जाना जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। अलका भाभी को फोन करके बताना होगा कि शादी के बाद होते ही अंजलि के साथ क्या हुआ। उमा भाभी, यश अंजलि से शादी करने के लिए राजी हो गया कि नहीं हुआ? हाँ यश तो राजी हो गया है, लेकिन बस भाभी यूं समझिए कि वो आज मरते मरते बची। उमा भाभी, हमें शादी में बिल्कुल देरी नहीं करनी चाहिए। इससे पहले कि अंजलि की पहली वाली लड़की पूनम की तरह परलोक सिधार जाए, ये शादी होना बहुत जरूरी है। ऐसा करते हैं, हम कल ही शादी कर देते हैं। क्या कल ही, इतनी जल्दी? मतलब अरे 90 दिन की शादी के लिए कौन सा टेंट लगवाना है या बैंड बाजे वाले को बुलाना है? हवन कुंड में आग जला और करवा दो साथ फेरे। मैं तो कहती हूँ कल का कल ही काम निपटा लो। ताई जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं उमा भाभी, और शादी के बाद यश और ऋचा के मिलने का रास्ता भी तो साफ हो जाएगा। अलका भाभी, लेकिन जब तक ये शादी नहीं हो जाती अंजलि का बहुत ध्यान रखना होगा। आपको याद है ना, पहली लड़की शादी की बात होते ही मर गई थी और आज अंजलि मरते मरते बची। अगर अंजलि भी शादी से पहले मर गई तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। आप बेफिक्र रहिए उमा भाभी, शादी होने तक मैं अंजलि को कुछ नहीं होने दूंगी। अभी अभी उमा भाभी से मेरी फोन पे बात हुई है, यश अंजलि से शादी करने के लिए तैयार हो गया है, हम कल ही दोनों की शादी करवा देंगे। लेकिन भाभी इतनी जल्दी? भाई साहब, बिना मतलब देर करने का कोई फायदा नहीं है ना, क्योंकि हम 90 दिन वाली शादी इसलिए करवा रहे हैं ताकि यश और ऋचा जल्दी से जल्दी एक हो पाए। ये शादी होने के बाद कम से कम यश और ऋचा का मिलना तो शुरू हो जाएगा। लेकिन अलका, लेकिन कुछ नहीं, वैसे भी कोई तैयारी तो करनी है नहीं, सब घर के ही लोग होंगे, पंडित को बुलवा के सिर्फ फेरे पड़वाने हैं बस। ठीक तो है ना? कल ही तेरी यश से शादी है, जो भी सामान लेके जाना हो उसे पैक कर लेना। माई, माई सुनो तो, माई बात तो कर लो हमसे। क्या बात करें, अरे जन्म नहीं दिया हमने तुझे, लेकिन अपने कलेजे से लगाकर पाला है तुझे। ममता की जिम्मेदारी कोक की जिम्मेदारी से कम नहीं होती अंजलि। जाने क्या क्या सपने देखे थे तेरे लिए, और तू 90 दिन की शादी के लिए हाँ करने से पहले पूछा तक नहीं हमसे। यश
ये तो सिर्फ 90 दिन की बात है माई। जब हमारी असली शादी होगी ना तो आपके सारे सपने पूरे होंगे। और आप ही बताओ माई, अगर हमारे ऐसा करने से ऋचा की जिंदगी में खुशियां आ जाती तो हम मना कर देते? और माई ये भी तो सोचो, 90 दिन के लिए गर्ग परिवार की बहू बनेंगे ना तो बहू जी का सारा कर्ज चुकता हो जाएगा। और माई फिर वो हमें किसी बात के लिए कभी कोई ताना भी नहीं दे पाएंगी। कुत्ते की दुम है ना कभी सीधी नहीं होती अंजलि। कि बहू जी है ना तुझे ताने मारने के लिए नए नए बहाने ढूंढ ही लेंगी। माई आप ही तो कहती हो ना जब अच्छा सोचते हैं तो अच्छा होता है, तो फिर आप क्यों बुरा सोच रही हो? बहस में आज तक जीत पाए हैं तुझसे कभी? माई आप भी ना भूल जाती हो, जब लड्डू गोपाल साथ है तो फिक्र की क्या बात है। माई ये साड़ी हमने तेरी शादी के लिए खरीदी थी, सोचा था धूमधाम से जब तेरी शादी होगी तो ये साड़ी हम तुझे पहनाएंगे, लेकिन कहां पता था कि खैर जैसे भी हो शादी तो शादी है। और मैं तुझे अपने हाथों से दुल्हन बनाऊंगी। शादी में शामिल नहीं हो सकती तो क्या होगा, पर तुझे अपने हाथों से तैयार तो कर सकती हूं ना। थैंक यू सो मच अंजलि। यश ने मुझे बताया कि कैसे तूने अग्रीमेंट पेपर देकर उसे शादी के लिए मनाया। ये सिर्फ तू कर सकती है यश, और मैं तेरा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। अंजलि आप पर बहुत भरोसा करती है गोपाल, आप उसे जिंदगी में कभी कोई तकलीफ मत देना। राधे राधे भैया। राधे राधे, अरे वापस मथुरा जा रही है तू? हाँ भैया, वो पूनम की 13वीं में आई थी। बड़ा बुरा हुआ उस बेचारी के साथ, कुछ दिन पहले ही तो आई थी यहाँ। अच्छा क्या करने आई थी? कोई मिलने आया था उससे, कोई नौकरी वगैरह देने की बात कर रहा था। आप उस इंसान को पहचानते हैं? नाम तो नहीं पता लेकिन उसका चेहरा याद है। अच्छा ठीक है भैया। राधे राधे। राधे राधे। एक अच्छी वाली आइसक्रीम खिलाओ जरा। सुनो, अरे यही तो वो आदमी है जिसके बारे में तुम पूछ रही थी। यही तो पूनम से मिलने आया था। करुणेश मामा। मुझे ये बात समझ नहीं आ रही है कि करुणेश मामा यहाँ क्या कर रहे हैं और वो पूनम से मिलने क्यों आए थे। सुनो,
आज जहाँ जो कुछ भी हो रहा है ना, अगर उसकी खबर किसी ने बाहर पहुंचाने की कोशिश करी या फिर मुंह खोलने की कोशिश करी तो पूरे मथुरा में कहीं काम नहीं मिलेगा, समझ गए तुम लोग? अभी भी सोच लो रिचा, हम जो करने जा रहे हैं तुम उसके लिए तैयार हो ना? हाँ यश, मैं पूरी तरह तैयार हूँ, क्योंकि तुम्हारी शादी किसी और से नहीं, अंजलि से हो रही है, और अंजलि को मैं अपनी पूरी जिंदगी सौंप सकती हूँ, और तुम मेरी जिंदगी हो। तुम भी मेरी जिंदगी हो रिचा। मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था कि तुम्हारे अलावा किसी और से शादी करने के लिए मैं ऐसे तैयार होऊंगा, चाहे वो शादी 90 दिन की क्यों ना हो। मैं तुम्हारी शादी तो नहीं देख पाऊंगी यश, पर शादी के बाद तुमसे मिल भी पाऊंगी और तुम्हें देख भी पाऊंगी। बस उसी पल का इंतजार कर रही हूं मैं। I love you, Yash. I love you too, Richa. उमा जी, अलका दीदी और ताई जी कल हो। इस बात का किसी को पता नहीं घर में कि जो भी लड़की यश से शादी करेगी वो 90 दिन के अंदर मर जाएगी। मैं सबको सब कुछ बता दूं, मैं अंजलि दीदी को नहीं मरने दूंगी। केवल 90 दिन, 90 दिन में यश की पहली पत्नी मर जाए। एक अनोखे बंधन से बंधी अंजलि की कहानी देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शेमारू उमंग।